यूपी के कानपुर में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मथुरा के जितेंद्र पाल सिंह का गमगीन माहौल में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही के छोटे भाई सौरभ ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर आईजी आगरा रेंज ए सतीश गणेश भी थाना रिफाइनरी के गांव बरारी पहुंचे। शहीद सिपाही जितेंद्र पाल सिंह की शहादत को उन्होंने नमन किया। इस दौरान जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जितेंद्र पाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं स्थानीय विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें, कानपुर के बिठूर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसमें से एक जितेंद्र पाल सिंह भी थे। वहीं अगर कानपुर एनकाउंटर के ताजा मामले की बात करें तो हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की तलाश में कानपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। हालांकि 30 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस की 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अरेस्ट के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। विकास दुबे समेत 35 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। वहीं एक खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि चौकीपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। दबिश के दौरान चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पीछे पीछे चल रहे थे। एसटीएफ ने थाना प्रभारी को थ्रिल करना शुरू कर दिया है। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर FIR दर्ज करने पर भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। SO विनय तिवारी 307 की FIR लिखने में आनाकानी कर रहे थे। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक भी है। शक को लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मथुरा के पावन भूमि के जो हमारे वीर शहीद हैं उनको शत शत नमन करता हूँ, और इस पावन भूमि को जहाँ ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया गया है, मैं उस भूमि को भी शत शत प्रणाम और नमन करता हूँ। ये जो उन्होंने एक कृत्य अपनी तरफ से किया है, अपने कर्तव्यों के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया है, इससे आने वाली पीढ़ियाँ और जितने भी लोग हैं जो पुलिस विभाग में या सेना में आर्म फोर्सेस में आना चाहते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। और इस मौके पे मैं उनके परिवार के साथ, जो उनके ऊपर एक असमय दुख की घड़ी आई है, तो पूरा विभाग विशेष रूप से मथुरा का जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ खड़ा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो उनको शक्ति दे ताकि वो इस दुख की घड़ी से उभर सकें। धन्यवाद सर। अगर बात करें तो जिस तरीके से जो हत्यारे हैं उनकी तलाश की जा रही है, रेंज में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग लगातार ऑपरेशंस चला रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे आगरा परिक्षेत्र के जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध भी जो हम लोग का अभियान है उसमें और अधिक हम लोग तेज़ी लाएंगे, और हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी शातिर अपराधी हैं उनका हम लोग डटकर मुकाबला